हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रक पुल दोस्त में फिर वीडियो लेकर आया है। आज का वीडियो दोस्तों इवनिंग पे बना रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से गुड इवनिंग, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है, हम दोनों को तो डायरिया हो गया है और अभी थोड़ा मतलब मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन पूजा जी मतलब उनका हालत थोड़ा अभी भी क्या कहते हैं मतलब अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक नहीं हुए है। तो अभी दोस्तों इवनिंग पे हम मतलब खाने वाला है, ठीक है। तो खाने में वैसे कुछ खास नहीं बना है, थोड़ा डालमा बना है और चावल, ठीक है। तो डिजीज वगैरह हुआ है ना, तो हमारा जो माउथ उसका स्वाद थोड़ा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। डालमा खाने का उतना मन भी नहीं करा, तो घर में थोड़ा ड्राइड फिश वगैरह थे, ठीक है। तो दोस्तों उसको अभी हम एक बढ़िया तरह का डिश बनाने वाला है, ठीक है, और खाने वाला मतलब एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि माउथ उतना अच्छा नहीं लग रहा है ना। डिजीज होने के दौरान कैसा लगता है माउथ आप लोगों को जरूर पता होगा, ठीक है। तो वैसे ही लग रहा है, तो हम सोचे थोड़ा चटपटा कुछ बनाया जाए, ठीक है। तो चलो दोस्तों अब इसको बनाएंगे और कैसे बनाते हैं आप लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का ये वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। चलो देख सकते हैं, ये देखिए ड्राइड फिश, ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों किस तरह का ड्राइड फिश है, ठीक है। इसको दोस्तों फिरकी मछली कहते हैं शायद उड़िया पे, और वो दोनों क्या मछली है मुझे पता नहीं है। तो इसको हम दोस्तों आदिवासी भाषा में कहते हैं सूखा कहते हैं, ठीक है, और उड़िया पे सुखुआ कहते हैं, इंग्लिश पे ड्राइड फिश कहते हैं। तो चलिए इसको अभी बनाएंगे, ठीक है, आग पे थोड़ा रोस्ट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे पूजा जी ये ड्राइड फिश को तला दिए है, फिरकी मछली है। इसको क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं, तेल पापड़ी शायद बोलते हैं, पापड़ी नहीं तांपड़ी क्या तांपड़ी तेल तांतुड़ी हाँ, सुना है। ओ अच्छा ठीक है, इसको दोस्तों पहले आग पे अच्छी तरह से तलाएंगे, ठीक है। पूछो ये मत, बहुत ही ठंड लग रहा है दोस्तों हमारे यहाँ। कैसा स्मेल आया ड्राइड फिश को जब आग पे तला था ना, बहुत ही अजीब स्मेल आ रहा है। हाँ सूखा हुआ चीज, थोड़ा गंदा वाला स्मेल आता है। हो गया ऐसे, देखो धुआं निकल रहा है, बोला हो गया। हाँ देखिए तेल निकल रहा है, ज्यादा नहीं लिया दोस्तों, तीन ठू लिए हैं, ठीक है। ये भी हो गया, देखिए उसको ये भी बढ़िया तरह से हो गया है, ये तो मिर्ची नहीं करेंगे दोस्तों, अभी ये मिर्ची को थोड़ा तलाएंगे एक पे। हो गया बड़ा तरह से दोस्तों, ड्राइड पीस और मिर्ची वगैरह को तला लिया है। अब इसको साफ सुथरा करेंगे और थोड़ा पत्थर पे पीसेंगे इसको, ठीक है। ये तो पापड़ जैसा मछली है, इसको थोड़ा फूको। का सिर पे वो जो क्या कहते हैं पत्थर देखो ना है या नहीं, वो तो आँख है शायद, नहीं है इनके, नहीं है। कितना तेल निकल रहा है, ये जो मछली होता है दोस्तों इसका बहुत तेल निकलता है अपने आप में, इसका ये चर्बी होता है शायद ज्यादा। और ये रहा दोस्तों ड्राइड फिश को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लिया है पूजा जी आग में तलाए के, और इसको भी चले पत्थर पे चटनी बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए लिया हम एक प्याज हाफ और ये लहसुन दो तीन और नमक और मिर्ची कुछ नहीं, ठीक है। चले अभी चटनी बनाएंगे दोस्तों, ये पत्थर को पहले अच्छी तरह से धोएंगे, ठीक है, गंदा हुआ है ना।
तो चलो दोस्तों अब इस पे पत्थर पे पीसेंगे ये ड्राइड फिश को। तो ये ड्राइड फिश को दे रहे हैं। तो लाजवाब स्मेल है दोस्तों, मजा आ गया इसका खाना। ये तो टूट नहीं रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मछली है, तो सूख के पूरा हार्ड हो गया है। थक गई मैं तो। ये जो पत्थर का ये डिश होता है दोस्तों, ये मतलब इसको ऐसे पत्थर में बनाने का बहुत ही शानदार मतलब लगते हैं, ठीक है। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा इसे, ये पूरा देसी चीजें हैं, खाने में बढ़िया टेस्ट लगता है। तो मजा आता है खाने में। देखिए दोस्तों बड़े तरह से ये पीस चुके हैं पत्थर पे, ज्यादा नहीं ग्राइंड करेंगे, ज्यादा मतलब ज्यादा नहीं पीसेंगे, ठीक है, सही रखेंगे थोड़ा, और इसके बाद थोड़ा मजा आए। हाँ, अब इसको सरसों का तेल थोड़ा देंगे। चलिए दोस्तों इस पे थोड़ा सरसों का ऑयल देंगे, ठीक है, उसके बिना तो चटनी अधूरी है। हाँ, सरसों का तेल ना हो तो चटनी पे मजा नहीं आता। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे तेल को। वाओ, बढ़िया स्मेल आ रहा है, मजा आएगा खाने में। डर भी लग रहा है क्योंकि बहुत कांटे होते हैं इसमें। हाँ, देख के खाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, कांटे वाला मछली है। तो ये रहा दोस्तों आज का स्पेशल डिश, ठीक है, ड्राइड पीस का चटनी पत्थर पे बनाया, ठीक है, पीस के देख सकते हैं कितना बड़े। हाँ, तो चलिए दोस्तों अभी खाएंगे। तो ये रहा दोस्तों आज का डिनर, लगा चुके हैं पूजा जी, ठीक है। ये थोड़ा दोस्तों डालमा बनाया हमने, और ये आज का स्पेशल ड्राइड पीस का चटनी, और ये टमाटो का चटनी थोड़ा। तो चलिए दोस्तों अब खाते हैं, बहुत ही भूख लग रहा है। तो चलिए दोस्तों खाने को शुरू करते हैं, ठीक है, पूजा जी शुरू कर दें। बड़े लग रहा है, इसके बाद छोटे छोटे काटे हैं।
और अब दोस्तों पूजा जी थोड़ा ये डॉग को खाना दे रहे हैं। तो बच्चा किधर गया? बच्चा बड़ी किधर गया? इसका एक बच्चा हुआ है दोस्तों, ये देखिए आ गया। हाँ तो दोस्तों बढ़िया तरह से अभी हम डिनर वगैरह कर चुके हैं, ठीक है। और दोस्तों अभी हम ये मेडिसिन वगैरह खा रहे हैं, डिजीज थोड़ा कम नहीं हुआ है, ठीक है। मेरा तो कम हो गया है, पूजा जी का अभी थोड़ा बहुत तो ज्यादा है, ठीक है, मतलब कम नहीं हुआ है। बहुत ही बड़ा बड़ा मेडिसिन दे है ना, गले में अटक रहा है। तो ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। और कैसा लगा हमारी ये देसी डिश डाइट फिश का चटनी, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया लगते है दोस्तों, मतलब स्पेशली इसको अगर पत्थर पे वैसे पीस के बनाएंगे ना, उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा, हमारी ट्राइबल लोगों का बहुत ही पसंदीदा खाना होता है ये, ठीक है। तो चलिए दोस्तों रहते हैं, कल फिर ऐसे ही शानदार से वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों रहते हैं, सभी को हमारी तरफ से गुड इवनिंग, गुड नाइट और जोहार। तो चलिए दोस्तों रहते हैं, बाय बाय और टेक केयर। चलिए रहते हैं।